सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ टेक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ टेक चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यह बताएंगे, कुछ लोगों ने कमेंट यह किया है कि मेरे झरने में पानी टपक टपक आ रहा है, यानी हमने नल कैसे बनाया उस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें कमेंट आया हुआ है। तो कुछ लोगों ने कमेंट आया है कि झरना में मेरे पानी यानी टपक टपक आ रहे हैं, एक तरह से आप कह लीजिए कि जाम हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि इसका कारण क्या है जाम होने का। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम भवदार प्रजापति, आप देख रहे हैं सेल्फ टेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर अपने टंकी के बारे में यानी आपके टंकी के बारे में जानकारी यहाँ पर दे दूँ कि क्यों जाम होता है, आपका झरना हो या आपका नल हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि क्या आप अपने छत पर जाकर एक बार भी टंकी को खोल कर देखा है कि उसमें क्या हुआ है। आप तो सोचते होंगे कि टंकी बंद है तो वह जाम नहीं होगा, लेकिन आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें यह भी होता है खारा पानी, मैंने पानी पूरा होकर जैसे खारे पानी में नमक जैसा, वहीं आपका टंकी या हो या आपका झरना हो जाम कर देता है। तो आप समझते हैं कि मेरा नल खराब हो गया, मेरा झरना खराब हो गया। तो दोस्तों, खराब नहीं होता है, हाँ खराब होता है चालू बंद करने वाला, उसमें का रबड़ कट जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ कि कैसे कैसे जाम होता है। जैसे कि पानी टंकी में का पूरा, बहुत दिन से आप टंकी का साफ नहीं करते हैं, तो उसमें पानी जमे होगा, उसमें का पानी का जो मान लीजिए टंकी आप भर दिए, उसमें पानी में का जो कुछ नया टंकी रहता है, तो उसमें का नया टंकी में ज़्यादा ही कचरा आ जाता है। नए टंकी में जो पुराने वाले होते हैं उसमें खारा नमक जैसा आता है, और जो नया वाला होता है उसमें हल्का सा बालू आ जाता है, क्योंकि अभी नया नया आप मैंने लगवाए हुए हैं, गड़वाए हुए हैं, तो उसमें बालू आ जाता है हल्का हल्का। तो मैं यहाँ पर बता दूँ पुराने वाले के कि आप अपने टंकी को जाकर खोल कर आप अपने छत पर देखें, उसमें क्या होता है कि बहुत जैसे आप टंकी नहीं साफ करते हैं, उसमें खारा पानी जैसा नमक जैसा रुक जाता है। आप कभी आपका पानी ख़त्म हो जाए टंकी का, तो आप एक बार खोल कर देखें उस टंकी को। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि वहीं जाकर अंदर आपके नल में आपके झरने में फंस जाता है और पानी कम देने लगता है टपक टपक। जैसे कि एक दोस्त ने कमेंट किया है तो उसमें पानी मेरे झरने में टपक टपक आ रहा है, तो यही कारण होता है। कुछ कारण ये भी होता है कि आप अपने झरने को बहुत देर से चालू नहीं किए हैं, यानी बहुत देर से चालू नहीं किए, ये भी कारण होता है। और मैं एक यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि टंकी में कभी कभी आप देखें होंगे नली वगैरह या तालाब वालों में काई लग जाता है, काई तो आपके टंकी में भी काई लगता है, आप बहुत दिन से साफ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप अपने टंकी को एक साल पर अगर आपको टाइम मिले तो 6 महीना पर आप चेक करते रहिए, यानी चलने के अनुसार आपका टंकी, यानी मान लीजिए आपका पानी घर में बहुत जरूरत है, आपका टंकी बार बार भरते हैं और यानी आपके घर में पानी की ज़्यादा यूज है, तो मैं इसलिए बता दूँ आप अपने टंकी को 6 महीना पर या 4 महीना पर खोल कर एक बार देखें उसमें कचरा हो गया है कि नहीं। कचरा हो जाए तो आप अपने टंकी को खाली करें और उसमें अंदर जाकर अच्छी तरह से साफ कर लें, और साफ करके फिर भर दें, भर कर उसके बाद अपना काम में लें। तो जो लोग नहीं साफ करते हैं अपने टंकी को, उसमें क्या होता है कि खारा जो पानी का जो, क्योंकि टंकी जब भी भरती है ना, यानी आप नल अपने चला कर टंकी को भरते हैं, तो उसमें क्या बारीकी बारीकी पानी में जो होता है बारीकी बारीकी उसमें गारदा मेरे यानी आपको कह दीजिए एक तरफ से डस्ट कर दीजिए, यानी नमक जैसा उसमें रहता है। और जब आप टंकी भर देते हैं उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे यानी अस्थिर होकर पानी उसमें जितना कचरा होता है बारीकी उसमें अंदर जाकर आपका टंकी के नीचे बैठ जाता है। तो बैठ जाता है तो वहीं बैठते 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 बहुत दिन से आप नहीं साफ करते हैं, तो वहीं आप क्या करता है कि आपका टंकी जब भरता है तो उबाल टंकी मारती है, यानी जो खारा पानी जितना रहता है अब ऊपर से गिरता है तो नीचे जाकर गिरेगा तो उबाल मारेगा, जितना गर्दा होगा तो वही गर्दा आप उसी वक्त आपके घर में मान लीजिए कोई पानी की यूज कर रहा है यानी गिरा रहा है, तो वही खारा पानी जब ऊपर से उबाल मारे उठ कर आता है तो टंकी में अंदर जाकर नल में जाकर फंस जाता है, तो वही कारण होता है आपका टंकी का जाम होने का। और मैं यहाँ पर बता दूँ काई उसमें लगता है, तो मैंने बताया भी काई उसमें हो जाता है, टंकी में काई भी हो जाता है, आप समझते नहीं हो दोस्तों, आप समझ लीजिए, सॉरी मैं यही जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अब आप अपने झरने में दिखाता हूँ कि कैसे आपका खारा जो पानी होता है वो रुक जाता है दाने दाने जैसा, तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने झरने में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसी जानकारी आपको लिए देता रहता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको लेकर अपने झरने में। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जब इसमें रबड़ रहता है, इस रबड़ को मसलेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको नमक जैसा खारे जैसा दिखाई दे रहा होगा,
और निकाल कर मैं दिखा दूँ। देखिए अब आपको साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने दूसरे झरने में चेक कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यही है नमक जैसा आप देख रहे हैं। मैं सोचा कि आपको बाहर दिखा दूँ। एक बार देखिए यही नमक जैसा होता है, यहीं आकर उस होल में अटक जाता है तो जाम हो जाता है आपका नल। दोस्तों मैं यहाँ पर जानकारी दे दूँ, जब भी आप इस तरह मसल कर साफ करें इस रबड़ में जो है नमक, तो आप अपने झरने को चालू कर ले, इस तरह चालू कर तब साफ करेंगे तो अच्छे तरह से निकल जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा पानी के द्वारा निकल जाता है अच्छे तरह से। मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। आप देखिए कि कैसा ये इसमें नमक जैसा दाने दाने जैसा था, तो आपने देखा। तो जो तुम मैं कुछ दिन पर आप झरने को भी साफ करते रहिए। हाँ, कुछ झरने आते हैं कसते हैं जैसा, तो खोल कर आप साफ कर लीजिए, और नहीं आता है साफ करने तो आप कमेंट कीजिए, मैं खोल कर साफ होकर दिखा दूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जानकारी मैं बता दूँ कि आप अपने टंकी को, मैंने बताया भी कि साफ करते रहिए बराबर, और कचरे को यानी खोल कर कुछ महीने पर यानी 2-3 महीने पर देखते रहिए, उसमें कचरा तो नहीं है तो आप अपने टंकी को साफ कर दीजिए। और मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा कि अगर आपका टंकी जाम हो जाएगा तो आप तो प्लम्बर को बुलाएंगे तो आपका पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा। तो दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि अपने टंकी को साफ रखें और फ्रेश रखें, और उसमें गंदगी हो जाती है क्योंकि पानी आप यूज अपने खाने में लेते हैं, अपने नहाने में लेते हैं, और स्वच्छ रहिए और दोस्तों इंडिया को स्वच्छ बनाइए। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।